अगर आपसे कोई कहे, ठीक है, बताओ का है रासायनिक अभिक्रिया, तो आपको एक चीज देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। ये पता करने के लिए आपको सबसे पहला बात देखना होगा कि अवस्था में परिवर्तन। देखिए, इसका है कि अवस्था में परिवर्तन मतलब जैसे कि कोई भी चीज ठोस है, अब उसमें किसी चीज से रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसका, तो वो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा या फिर गैस बन जाएगा। तो ये हुआ कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, पहले ठोस था तो द्रव बन गया या फिर द्रव था तो गैस बन गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, क्या हो जाता है कि रंग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब उसका रंग दूसरा हो जाता है। ठीक है, आप बहुत सारा चीज जला के देखे होंगे, कभी कभी आप लाल कपड़ा को जलाते हैं, जलाने के बाद क्या हो जाता है? काला हो जाता है, राख बन जाता है। तो उसका रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो देखिए, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है कि गैस का उत्सर्जन होता है, जब भी आप देखिएगा किसी भी चीज को जलाइएगा तो गैस निकलता है उसमें, मतलब जलाने के बाद क्या हो रहा है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो क्या हो रहा है कि उससे गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और जब भी होगा आपका, अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसका तापमान बढ़ या घट जाएगा, मतलब ये चार चीज में से कुछ भी हुआ तब समझ लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना, पूरा अगल बगल देख के देखिए, पूरा रासायनिक अभिक्रिया से भरा पड़ा है। ठीक है, आप देखिएगा आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो चावल और चावल पानी में डालती है, उसके बाद देखते हैं कि वो बन के वो मतलब बड़ा बड़ा हो जाता है, पूरा उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, सब्जी बनाते हैं तो कच्चा डालते हैं उसको, उसमें देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता है, बन के आता है टेस्टी लगने लगता है, तो उसमें भी बदलाव आ जाता है। सोचिए, स्वाद स्वाद में भी चेंजिंग आता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसमें नहीं। अब देखिए, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएं, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो ये जो प्रोसेस है उसको अगर शब्दों में लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम संक्षिप्त में लिखना चाहते हैं, ठीक है, कि आसानी हो मेरे लिए। तो उसको संक्षिप्त में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम रासायनिक समीकरण, उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। जैसे कम से कम शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है, तो हम क्या किए थे कि मैग्नीशियम रिबन लिए थे, तो क्या लिए थे? मैग्नीशियम लिए थे। ठीक है, और उसमें क्या किसकी जरूरत पड़ी थी? ऑक्सीजन की। तो हमारा उत्पाद जो हमारा जो बना था, क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो ये जो है ना, इनको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, और इसको बोलते हैं उत्पाद। अब समझिए, अभिकारक जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमारा नया प्रोडक्ट, जो हमारा कुछ बनता है, उसी को बोलते हैं उत्पाद। आप एक चीज सोच के देखिए, आप गांव में हैं, ठीक है, गांव में आप क्या लगाएं? भिंडी लगाएं, ठीक है, तो आप पहले पौधा बोते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें उर्वरक मिलाते हैं, उसके बाद जब बड़ा होता है तो उसका उत्पाद क्या आता है? उसके बाद भिंडी फलता है, तो आप तोड़ के खाते हैं, बना के सब्जी बना के। तो उसी तरह से यहाँ भी है, आपको क्या क्या मिलाना पड़ा ये उत्पाद बनाने के लिए? आपको मिलाना पड़ा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाना पड़ा, ये चीज मिलाने से दो चीज मिलाना पड़ा। ठीक है, ये दो चीज मिला है तो हमारा बना उत्पाद। उत्पाद क्या बना भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, बढ़िया सा आया होगा। तो अब एक चीज देखते हैं कि रासायनिक जो समीकरण हम लिखते हैं, तो जो उत्पाद रहता है ना, तो एक तो ये हो गया, एक अभिकारक, एक ये हो गया, दो अभिकारक को मिला करके एक उत्पाद बन रहा है। तो हमको क्या करना है? तो दोनों अभिकारक एक अभिकारक को लिख देंगे, उसके बीच में हम ये प्लस का साइन लिखते हैं, ठीक है, जोड़ का साइन, फिर दूसरा अभिकारक। अब उत्पाद बन रहा है, उसको दिखाने के लिए ये तीर का निशान लगा देते हैं बीच में, इधर उत्पाद बन रहा है और ये जो बना ये उत्पाद बन गया। ठीक है, इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए, रासायनिक समीकरण जो है उसको लिखना कैसे है? तो भैया, इस शब्द में जो हम लिखे हैं,
कहाँ ऐसे लिखेंगे हैं, नहीं लिखेंगे इसे ऐसे लिखेंगे ना तो यह वर्ण दिख रहा है, आसानी नहीं होगा शब्द में लिखना, आसानी नहीं होगा, बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो बहुत बड़ा बड़ा जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो उसको इतना शब्द में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको और संक्षिप्त कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि इन लोग के सूत्र जो है ना उन लोग को यूज करते हैं, उन लोग को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैग्नीजियम है उसका सूत्र क्या है भैया, मैग्नीजियम का सूत्र है Mg, ठीक है, बीच में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन का क्या है सूत्र, O2। अब जो एरो दिखा रहे हैं मतलब ये है कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, ये दिशा को दिखाता है, ठीक है। अब बनता क्या है मेरा उत्पाद, एम जी ओ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इतना कर लिए इसको और संक्षिप्त में लिखते हैं, तो इसी को रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, उसके सूत्रों से हम लिखेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे देखिए इसके इसमें परमाणुओं की संख्या कितना है, एक है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितना है, दो है, और देखिए इधर मैग्नीशियम का इधर दो है, ऑक्सीजन का नहीं, मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन का दो है, इधर परमाणुओं की संख्या, ठीक है। इधर क्या है, Mg का एक है लेकिन ऑक्सीजन का भी एक है। भैया देखिए हम क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम दो गो ऑक्सीजन जब मिला है तो एक एक ऑक्सीजन वहां काहे बना, दो गो बनना चाहिए था ना, है एगो कहाँ गया, कहाँ गोल हो गया। अब देखिए हम मैग्नीशियम को मिला है एक ठो तो एगो मैग्नीशियम बन गया, ही तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, चलो समझ आ गया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन वहाँ दो गो है, ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, दो, और यहाँ इधर एक एक गो बन रहा है, अब ये सब टेंशन वाला चिंता वाला बात हो गया भैया, इसीलिए इसको संतुलित किया जाता है, ठीक है, इसको संतुलित किया जाता है। तब हम ऐसा नहीं है कि देखिए आप जितना अभिकारक मिला रहे हैं उतना ही आपका उत्पाद बनेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको है कि संतुलित करना है इसको, अब जो संतुलित करना है वो तो हम अगला क्लास में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन फिलहाल के इतना सब है कि समीकरण कैसे लिखते हैं, समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसमें टेस्ट भी आ जाता है।